ॐ जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसां सिद्धं शुद्धं भणमिय जिनेन्द्रवरनेमिचन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य करुणं मोक्षम् आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा हम यहाँ पे गोमटसार जीव कांड नामक महान ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हम उसमें पहला जो प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणा का निरूपण आया है, उसमें जो गुणस्थान प्ररूपणा है उसकी चर्चा हम देख रहे हैं। हम कौन से गुणस्थान के चर्चा पर आए थे? हम 8वें गुणस्थान की चर्चा हुई थी, अपूर्वकरण गुणस्थान। कल देखा था 4 आवश्यक कार्य अधप्रवृत्तकरण गुणस्थान के होते हैं और 4 आवश्यक कार्य किसमें होते हैं? अपूर्वकरण गुणस्थान में देखा था। 4 आवश्यक कार्य अधप्रवृत्तकरण में कौन से हैं? अधप्रवृत्तकरण माने सातिशय अप्रमत गुणस्थान, 7वें गुणस्थान का दूसरा भाग। कौन से 4 आवश्यक कार्य बताए थे, कोई बता सकता है? हाँ, बोलोगे आप जोर से? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधा पसरण, पाप प्रकृति का अनुभाग घटना और पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ना। अपूर्वकरण में 4 आवश्यक कार्य बताए थे। हाँ, आप बोलोगे स्वस्थ में बोलो। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ठीक है ना, अपन ने कल देखा था स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ये 4 चीज जो है वो सत्ता से रिलेटेड है और अधप्रवृत्तकरण में जो 4 चीज बताई थी वो बंध से रिलेटेड है। आज अपन आते हैं कौन से गुणस्थान पर? 9वें गुणस्थान पे आते हैं और जिस गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्तीकरण गुणस्थान। पहले तो आप लोग ये लिख लेना कि जो 4 कार्य हुए ना 7वें के दूसरे भाग में और 8वें में जो 4 हुए वो अनिवृत्तीकरण में 8 कार्य तो होंगे। क्या कहा? फिर से 4 पहले बताए, 4 अपूर्वकरण में बताए, वो अनिवृत्तीकरण में तो ये 8 होंगे और नए होंगे। क्या होगा 9वें में? 9वें में अब तो कार्य होना है ना, बराबर ना। 21 प्रकृतियों का क्या होगा अभी? या तो उपशम या तो क्षय, ठीक है ना। अब लिखो आप अनिवृत्तीकरण में, अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में 2 आप ऐसे एरो करना, उपशम श्रेणी वाले मुनिराज और शपक श्रेणी वाले मुनिराज, 2 मुनिराज है ना, समझना, 2 मुनिराज अपन ले रहे हैं, है ना। तो उसमें शपक श्रेणी वाले मुनिराज क्या करेंगे? 20 लिखो उपशपक श्रेणी वाले मुनिराज 21 प्रकृतियों में से 20 का क्षय कर देंगे। कहाँ करेंगे 20 का क्षय? 9वें में करेंगे, 20 का क्षय 9वें में कर देंगे। और उपशम श्रेणी वाले मुनिराज क्या करेंगे? तो 21 में अंतर करेंगे। क्या करेंगे? 21 प्रकृतियों में अंतर होगा। हमने कहीं और भी देखा था अंतरकरण, कहीं देखा था? हाँ, बहुत बढ़िया। जब प्रथम उपशम सम्यक तो होता है ना, तो तब भी हमने एक अंतर देखा था, बराबर। वो गैप होता है मिथ्यात्व कर्म के निषेकों से, वो जगह खाली कर देते हैं और थोड़े निषेक ऊपर और थोड़े निषेक नीचे लाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस, ऐसा ही सेम प्रोसेस का होगा अनिवृत्तीकरण में भी होगा। पहले तो आपने क्या लिखा? शपक मुनिराज क्या करेंगे? 20 का क्षय करेंगे। और उपशमक मुनिराज क्या करेंगे? 21 में क्या करेंगे? 21 में अंतर करेंगे। क्या करेंगे?
अंतर करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको बताती हूँ, ठीक है ना। 21 पहले तो गिनाओ, 21 कौन कौन सी, 21 कौन कौन सी, अप्रत्याख्यान चार, प्रत्याख्यान चार, स्वंज्वलन चार और नौ नौ कषाय। तो अनंतानुबंधी क्यों नहीं ली, अनंतानुबंधी क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो गया। अनमोल बेटा क्या कब हो गई, पहले ही हो गया, समझ में आ रहा ना। अब अनंतानुबंधी को तो टच ही नहीं करना है, अब किसको देखना है, अपने को 21 को देखना है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे किसका पुरुषार्थ हो रहा है, चारित्र का पुरुषार्थ हो रहा है। जो पहले पुरुषार्थ हो गया वो किस में हुआ, श्रद्धा में पुरुषार्थ हुआ। अब किसका पुरुषार्थ होगा, श्रद्धा के पुरुषार्थ किए बिना चारित्र का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कहते ना, नींव ही नहीं डालेंगे तो महल कैसे खड़ा होगा। इसलिए श्रद्धा का पुरुषार्थ जो हो गया, कौन से गुणस्थान से, कौन से गुणस्थान में, चार से स्नेहा, कौन से गुणस्थान से, चार से सात और आठवें से आगे, अब चारित्र का क्या होगा, पुरुषार्थ होगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं। उसमें भी अध सातवें के साथी शय में सलोमी बेटा क्या बताया था, श्रेणी के सन्मुख आठवें में 21 का क्या करना, तैयारी करते हैं बराबर, शय और उपशम की। नौवे में क्या करते हैं, 20 का क्या करेंगे, क्षय करेंगे और 21 का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं, है ना। और दसवें में सूक्ष्म लोभ का क्षय और सूक्ष्म लोभ का उपशम कर देंगे। और ग्यारहवें बारहवें में मुनिराज पहुंच गए, माने वो दो गुणस्थान पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान है, किसके गुणस्थान है, माने राग का कण भी वहां पे मौजूद नहीं है। ख्याल आ रहा ना, पहले राग का राग गया और फिर क्या गया, राग गया, है ना। राग का राग पहले जाता है, आज बताया ना कि राग में एकत्व बुद्धि करना, बोलो सबसे बुरे परिणाम कौन से, सबसे बुरे परिणाम कौन से, आज सुबह भाई साहब ने बताया ना, सबसे बुरे परिणाम कौन से, कोई भी परिणाम वाला अपने को मानना वो ही सबसे बुरा परिणाम है। क्या कहा, फिर से समझ में आया, अशुभ परिणाम हो गए, शुभ परिणाम हुए और वो परिणाम वाला अपने को मानना, है ना। परिणाम बुरे नहीं, परिणाम बुरे नहीं, शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे, ख्याल आ रहा ना, क्योंकि वो परिणाम तो मुनिराज को भी होते हैं शुभ परिणाम। अभी परिणाम नहीं छूटेंगे, परिणाम का अभाव नहीं होगा शुभ अशुभ का। अभी क्या अपनी भूमिका में क्या नाश होगा, किसका नाश होगा, वो शुभ अशुभ परिणाम वाला अपने को मानना, ऐसी मिथ्या बुद्धि का क्या होगा, पहले नाश होगा। सबसे बुरे परिणाम वही है कि अपने को एक समय के परिणाम वाला मानना, वही सबसे बड़ा क्या है, पाप है, मिथ्यात्व है। भाई साहब बहुत बार चार चीज बताते हैं, कभी भी हमको संयोग संबंधी कोई विकल्प आए ना, कोई भी नौ कर्म संबंधी विकल्प आए तो क्या भेद ज्ञान करना कि ये मेरे नहीं है। पहला मंत्र दिया हमको, क्या मंत्र दिया, शरीर संबंधी, स्त्री घर कुटुंब परिवार संबंधी कोई विकल्प पाए तो सबसे पहला मंत्र भेद ज्ञान का कौन बताएगा, ये मेरे नहीं है। शरीर में कोई अवस्था, रोग अवस्था आ गई, हमारे बीमारी आ गई तो दूसरा भेद ज्ञान का मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया आंटी, हाँ, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ख्याल आ रहा है कि नहीं। शुभ अशुभ परिणाम संबंधी कोई विकल्प आ गया, शुभ अशुभ परिणाम, समझ में आ रहा ना, हाँ, शुभ शुभ परिणाम हो गए तो अब हम अपने को कैसा मानते हैं, महान मानते हैं, और अशुभ परिणाम आ जाए तो हम अपने को कैसा मानते हैं, दीन मानते हैं। तो इस प्रकार के जब परिणाम हो तब तीसरा भेद ज्ञान का मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया, कि मैं ऐसा नहीं हूं, कैसा नहीं हूं, इन परिणाम जैसा नहीं हूं। क्योंकि शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों परिणाम कैसे है, हे है, बंध के कारण है और दुख के कारण है। आश्रव अधिकार में बताया ना, कर्ता कर्म अधिकार में 72 नंबर की गाथा में आश्रव के तीन लक्षण बताए, किसी को पता है आश्रव के तीन लक्षण, आश्रव कैसे असूची है, जड़ है और दुख के कारण है। तीन चीज बताई, क्या बताई, असूची है,
जड़ है और दुख के कारण है, और उसके सामने मेरा भगवान आत्मा कैसा है, सूची है, चैतन्यमय है और सुख का कारण है। समझ में आ रहा ना, है ना। एक समय भी इसको भूलना, एक समय भी इसको भूलना वो अनंत अनंत दुख का कारण। समझ में आ रहा ना। और इसको याद करना, है ना, कि मैं ये गायक हूँ, ऐसा नहीं भूलना, ये अनंत सुख का कारण है। आज कितना, आज तो बहुत सुबह सूक्ष्म चर्चा चली थी ना, कि मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प भी क्या है, इंसल्ट है। बहुत सूक्ष्म चर्चा हुई थी आज सुबह। क्या कहा कि मैं गायक हूँ ऐसा विकल्प करना भी दृष्टि बेटा क्या है, इंसल्ट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको आचार्य देव कहाँ लेके जा रहे हैं, और ऊपर लेके जा रहे हैं। इसलिए भजन किस पे देना, तत्व निर्णय। बोलने का मार्ग नहीं है, विचारने का मार्ग नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं। देखने का मार्ग नहीं है, क्योंकि ये तो सब औदयिक भाव। बोलना, विचारना, चिंतन करना, हमको लगता है कि मैंने आज बहुत बहुत आत्मा संबंधी अच्छे विकल्प चले, बहुत बढ़िया चिंतन कर लिया, पर ये किसके खाते में जाता है, ये किसके खाते में, आश्रव बंद के खाते में जाएगा, संबर निर्जरा के खाते में नहीं जाता है। निर्णय हो तो उसका नाम संबर और निर्जरा है। इसलिए कहते ना, ज्ञानी को बार बार विकल्प नहीं करना पड़ता। क्या विकल्प नहीं करना पड़ता, कि मैं गायक हूँ, ख्याल आ रहा है, क्योंकि वे भूलते ही नहीं है। मैं गायक हूँ ऐसा कभी भूलते नहीं है, और मैं गायक हूँ ऐसा उनको याद भी करना पड़ता नहीं है। बोलो, अपना नाम है ना, शरीर का नाम, याद करना पड़ता है कि नहीं, याद करना पड़ता है कि नहीं, भूल जाते हो कि नहीं, भूलते भी नहीं हो और याद भी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उस संबंधी क्या चल रही है, निरंतर अहमपना चल रहा है ना शरीर में, ख्याल आ रहा है कि नहीं। ऐसे ज्ञानी को निरंतर किस में अहमपना चल रहा है, अपने शुद्धात्मा में अहमपना निरंतर चल रहा है। फिर कैसे भी बार में उदय हो, औदयिक भाव हो, वे उदय और औदयिक भाव से हर समय कैसे रहते हैं ज्ञानी, अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि पता है ये तो सब क्या होने वाले है, ये तो सब चले जाने वाले हैं। आज कहा ना, जब तक वो विचार करते हैं ना कि ये ऐसे परिणाम हो गए, उन परिणामों का तो क्या हो गया, समाधि हो गई। समझ में आ रहा ना, उन परिणामों का तो व्यय हो गया, और हम उन परिणामों में ही क्या रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। इसलिए हमारे हाथ में से हम वर्तमान को क्या कर देते हैं, वर्तमान को घुमा देते हैं। हम वर्तमान में नहीं जी रहे, हम किस में जी रहे, भूतकाल में, ख्याल आ रहा है। और हम भविष्य की चिंता कर कर के क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भविष्य की पर्याय आई नहीं है, और भूतकाल की जितनी पर्याय हुई वो सब क्या हो गई, पारिणामिक भाव रूप से अपने अंदर आत्मा में क्या हो गई, समा गई। और हम वर्तमान को हाथ में से क्या कर रहे हैं, घुमा देते हैं। और कार्य कब होगा, भूत में होगा, भविष्य में होगा, कि वर्तमान में होगा, वर्तमान में होगा ना। मन में आ रहा है कि नहीं। और वर्तमान में काम नहीं करेंगे तो जैसे ऐसे अनंत काल निकल गया, ऐसे भविष्य का अनंत काल भी निकल जाएगा। अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, बहुत उत्कृष्ट मार्ग मिला है, है ना। ज्ञानी मिले, मनुष्य भव मिला, हमको इतनी रुचि हुई, अब क्या कर लेना, तत्व निर्णय करके क्या कर लेना, कर्ता बुद्धि का नाश करके अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव करना, वही मोक्ष मार्ग है। बाकी सब संसार है। आगे जाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, आपको जो अनिवृत्तिकरण में कार्य होता है, अनिवृत्तिकरण में अब हमने देखा ना वो गैप बनता है बराबर। अब कितनी प्रकृतियां हैं, 21 प्रकृतियों में हमको अब उपशम श्रेणी में देखना है। उपशम श्रेणी में क्या होगा, यहाँ पे सारी 21 प्रकृतियां हैं।
कितनी कर चुकी है 21 बराबर। अब यहाँ इन जगह को खाली करना है, ये जगह को, तो क्या करेंगे उम्मीदवार अनियमितीकरण के गुरुकुल स्थान में आए उन निर्मल परिणामों के द्वारा वो जो 21 प्रवृत्तियां है ना यहाँ पे उन सब का क्या करेंगे लंबी स्थिति वाले को ऊपर डालेंगे और कम स्थिति वाले को कहाँ डालेंगे नीचे डालेंगे। समझ आया? अनियमितीकरण में जो 21 प्रवृत्तियां है उनमें से लंबी स्थिति वाले को ऊपर और कम स्थिति वाले को नीचे डालेंगे बराबर। अब ये यहाँ पे जो गैप हुआ ना ये खाली हो गया, किससे खाली हो गया, किससे खाली हो गया, हाँ सारे 21 कर्म की प्रकृतियों से खाली हो गया। अब ये यहाँ पे गए ऊपर कौन कौन से परमाणु, यहाँ पे अप्रत्याघ्रम प्रत्याघ्रम ज्वज्वलन और नौ नौ कषाय और नीचे भी सारे आए। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे जो अंतर किया ना अंतर करने के बाद अनियमितीकरण का अब और समय बाकी है, शेष समय थोड़ा बाकी है, तो ये सारे उंगली में आके क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। इसमें और एक चीज होती है कृष्टि, सुना है आपने कृष्टि, किसकी कृष्टि होती है, स्वज्वलन लोभ की कृष्टि होती है, किसकी होती है, स्वज्वलन लोभ की। यहाँ जो लोभ के परमाणु डाले ना नीचे लोभ संचलन लोभ भी आया कि नहीं, अप्रत्याघ्रम प्रत्याघ्रम संचलन और नौ कषाय, तो यहाँ जो संचलन है ना वो संचलन कषाय लोभ कषाय की क्या की कृष्टि, कृष्टि करना माने क्या बादल कृष्टि में से क्या की सूक्ष्म कृष्टि, कृष्टि माने अनुभाव को घटाना, लिखो कृष्टि माने अनुभाव को घटाना, कृष्टि माने क्या, कोई बोलेगा कृष्टि माने क्या,
इंडिया कैन भी है, स्विट्जरलैंड भी है, और कौन सी, और वॉर्न ऑफ कशाई भी है। सारी की सारी 21 प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, पर कैसी पड़ी है, दबी हुई, चमकी हुई, हालांकि हुई। अब 11 ने पूरा अंतर उन्नत तक कोई भी उदय में नहीं आएगा। अब 11 में से नियम से नीला नीचे गिरते हैं, नियम है, दो कारण से गिरते हैं, आप लोग लिख लो, दो कारण से गिरते हैं। कौन से दो कारण, एक तो है काल क्षय और एक है भव क्षय। काल क्षय और भव क्षय, काल क्षय माने 11 गुण स्थान का क्या हो गया, कृष्णा की काल ही खत्म हो गया, 11 का क्या हो गया, काल खत्म हो गया, काल खत्म हो जाएगा ना, तो क्रम से नीचे गिरेंगे। क्रम से कैसे गिरेंगे, 11 में से 63 का काल है, 10वें में से 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे तक क्रम से गिरेंगे। समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया आपका बेटा, बोलोगे आप? हाँ, 11 में से गिरने के दो कारण कौन बताएगा, बोला, तो काल क्षय हो गया, माने क्या हुआ, हाँ, फिर क्रम से नीचे आएंगे, बराबर। अब भव क्षय हुआ, फिर छठे में से कहीं भी जा सकते हैं, छठे में से वापस पुरुषार्थ करके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, या वापस कोई मुनिराज नीचे भी गिर सकते हैं। सारा खेल परिणामों के आधार पर है, इसे पंडित जी ने लिखा ना, हाँ, देखो परिणामों की विचित्रता, कोई निबोध में से निकलता है और एकांत पर्याय बीच में धारण करके मनुष्य में आए, और मनुष्य में आकर समय दर्शन की प्राप्ति करके उसी भव से क्या कर लेते हैं, मुनि अवस्था धारण करके श्रेणी मार्ग के कार चल जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। और कोई दूसरे जीव 11 में से गिरकर कौन से गुण स्थान में से, 11 कौन सा है, वो पूर्ण धीतराता कहते हैं ना, 11 और 12 गुण स्थान की धीतराता में कोई अंतर नहीं। क्या कहा, 11 और 12 गुण स्थान की धीतराता में कोई अंतर नहीं, और 11 में से गिरे कितना काल संसार में परिभ्रमण करे, अर्ध उद्गल परावर्तन का काल संसार में परिभ्रमण करे, और फिर क्या करे, श्रेणी मान के शपथ श्रेणी मान के मोक्ष जाए। हमने पहले भी बताया कि मैंने ये कि अर्ध उद्गल परावर्तन का काल भी बहुत लंबा है, कितने कितना काल है, अभी कितना काल है पता है किसी को, अनंत काल है, कितना अनंत काल है। अपन लोग पांच परावर्तन देखते हैं ना, इसमें जो अर्ध उद्गल परावर्तन, पहला जो उद्गल परावर्तन है उसका आधा, एक उद्गल परावर्तन के असंख्यात में भाग में अनंत सागर आ जाते हैं, कितने सागर, अनंत सागर, और ये तो कितना काल, अर्ध उद्गल परावर्तन का काल, इतना भी संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। इसलिए देखो परिणामों की विचित्रता, इसलिए परिणाम बिगड़ने का क्या करना भई, और परिणाम सुधारने का क्या करना, उपाय करना है ना। पर पंडित जी ने आज मुझे बहुत प्रैक्टिकल दृष्टि का जोर देते हुए कहा था कि औदे भाव तो बदल जाए, औदे भाव परिणाम सुधारने का उपाय भी क्या है, औदे भाव को देखना है कि औदे भाव से बिन पारणाम भाव को देखना, किसको देखोगे तो औदे भाव बदल जाएगा, किसको देखोगे तो औदे भाव का नाश हो जाएगा, पारणाम भाव को देखोगे तो औदे भाव टिकेंगे नहीं, औदे भाव का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पारणाम भाव में उदय तो नहीं है पर औदे भाव भी नहीं है। कितना बढ़िया बताया था तुम्हें कि एक एक के अपन औदे भाव देखते हैं और अपने को क्या होता है, राग और द्वेष होता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ने कहा केवल ज्ञान नहीं ले पाएंगे, क्या कहा, केवल ज्ञान नहीं ले पाएंगे, एक एक और एक और देखोगे ना, केवल ज्ञान में तो, केवल ज्ञान में तो क्या बाकी रहता है, बोलो क्या बाकी रह जाएगा, केवल ज्ञान में तो सब कुछ जलेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और हम छोटे छोटे और एक और देखकर क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, राग और द्वेष कर लेते हैं। हाँ, बोलते ना कोई ऐसा औद्रिक भाव नहीं है, ये छोटे मोटे पाप परिणाम तो कुछ भी नहीं है, इसके पूर्व में
क्षय कैसे होगा अब आप लिखते जाओ, बीज का क्षय कैसे होगा। सबसे पहले तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये दो स्वंज्वलन और नौ कषाय में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाए। इसमें कन्वर्ट होगी स्वंज्वलन और नौ कषाय, कौन सी? प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। माने टोटल कितनी सवनी बेटा बोलोगे कितनी? आठ, चार अप्रत्याख्यान और चार प्रत्याख्यान। पहले हो गए कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट भी स्वंज्वलन और नौ कषाय। अब देखो आगे, उसके बाद नपुंसक वेद, नपुंसक वेद बदलेगा, किसमें बदलेगा नपुंसक वेद? लिखो नपुंसक वेद स्वंज्वलन और पुरुष वेद में बदलेगा। नपुंसक वेद किसमें बदल जाएगा? स्वंज्वलन और पुरुष वेद। स्त्री वेद, इसके बाद स्त्री वेद भी बदलेगा, स्त्री वेद भी नष्ट हो जाएगा, किसमें बदलकर? स्वंज्वलन और पुरुष वेद में बदलकर नष्ट हो जाएगा। अब कितने रहे? नौ कषाय में से सात रहे ना। अब छह कषाय और पुरुष वेद, पुरुष वेद बाकी रहा ना, नपुंसक वेद और स्त्री वेद तो पुरुष वेद में कन्वर्ट हो गए। अब छह कषाय और पुरुष वेद वो किसमें कन्वर्ट होंगे? स्वंज्वलन चार में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्वंज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, और वो भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। कौन बताएगा इतना पहले? कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा? तो सीधा बोलो क्या बोलो जो। हाँ सबसे पहले बहुत बढ़िया, स्वंज्वलन में, हाँ पुरुष वेद और स्वंज्वलन में बराबर। हाँ स्वंज्वलन चार में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्वंज्वलन चार का क्या होगा? अब लिखो क्रोध का मान में बदल जाएगा, क्रोध का मान में कन्वर्ट हो जाएगा, मान का माया में कन्वर्ट हो जाएगा और माया का लोभ में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बराबर? माने ये क्रोध मान माया लोभ का भी क्या हो गया? क्रोध मान माया तीन का नाश हो गया। अब क्या बची? अब खाली लोभ बची ना। किसी बात की चल रही है यहाँ पे? इस प्रकृति के क्षय की प्रक्रिया देख रहे हैं, नौवे मचान की बात चल रही है। अब कौन सा रहा बचा? लोभ बचा। अब लोभ में क्या होगा? अब लोभ जो बचा ना, अब जो खुष्टि का मेन काम, खुष्टि का काम क्या होता है? शपथ श्रेणी में होता है, शपथ श्रेणी। अब बादल खुष्टि और क्या होगी? सूक्ष्म खुष्टि। अब जो लोभ बचा था ना, वो लोभ में से पहले क्या होगा? अब पहले लिखवा, जो लोभ बचा था लोभ में क्या होगा? वो बादल खुष्टि बराबर, माने उसको भी अनुभाग घटा दिया, वो हो गए बादल खुष्टि, और उससे भी और अनुभाग ही कर दिया, उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म खुष्टि कहेंगे। अब नौवे में सूक्ष्म खुष्टि करके सूक्ष्म लोभ को तैयार कर दिया,
अंतर है, शपथ की विशुद्धि ज्यादा है इससे उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज से। ख्याल आ रहा है कि नहीं? आगे अभी एक आप एक चार्ट करो, देखो एक दो चीज और नहीं आएगी, पूर्व स्पर्धा, चार चीज लिखो आप लोग, चार चीज लिखो, पूर्व स्पर्धा, अपूर्व स्पर्धा, पूर्व स्पर्धा, अपूर्व स्पर्धा, पागल पुष्टि और सूक्ष्म पुष्टि, चार चीज। कौन कौन सी चार चीज, कौन बोलेगा नाम? पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादल पुष्टि और सूक्ष्म पुष्टि, ये नौवे पुरस्कार में होता है, ये सब नौवे। ठीक है, पुष्टि का काम अपन ने उपशम श्रेणी में दे दिया, थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि उपशम वाले तो वापस गिरने वाले हैं, इसलिए ज्यादा पुष्टिकरण वहां नहीं होता है। जो मेन पुष्टि का काम होता है कौन से, कौन सी श्रेणी होगा? शपथ में होगा, क्योंकि शपथ वाले को क्या करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। चार की बनाई, पूर्व, अपूर्व, बागर और सूक्ष्म पुष्टि। अपूर्व स्पर्धक माने क्या, स्पर्धक लिखो, स्पर्धक माने वर्गणाओं का समूह को स्पर्धक कहते हैं, वर्गणाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्पर्धक कहते हैं। जब अनुभाग की बात करते हैं ना, अनुभाग, तो उसके लिए स्पर्धक नाम का प्रयोग किया जाता है। अनुभाग की बात करेंगे, किसका नाम अनुभाग की बात करेंगे तो क्या नाम लेंगे, स्पर्धक। और जब निषेध उदय की बात करेंगे, उदय, तो हम निषेध शब्द का प्रयोग करेंगे, उदय की बात करेंगे तब निषेध शब्द का प्रयोग करेंगे। तो चीज क्या बताई फिर से, जब हम अनुभाग की बात करेंगे तब स्पर्धा, और जब उदय की बात करेंगे तब निषेध। अब देखो, अब अपूर्व स्पर्धक माने क्या, लिखो, संसार अवस्था में पहले से नौवे गुणस्थान तक जो भी अनुभाग वाले स्पर्धक पाए जाते हैं उनको पूर्व स्पर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व स्पर्धक कहते हैं। एक गुणस्थान से पहले से नौवे तक जो अनुभाग शक्ति वाले स्पर्धक पाए जाते हैं उनको कहते हैं पूर्व स्पर्धक। उनको क्या कहते हैं? पूर्व स्पर्धक। अब उन्हीं पूर्व स्पर्धक, उन्हीं पूर्व स्पर्धक परिणाम की निर्मलता से उन स्पर्धकों को अपूर्व किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अपूर्व, अपूर्व माने उसका अनुभाग और हीन कर दिया जाता है। जो बलदान शक्ति थी ना, उसको क्या कर दी? और हीन कर दी। तो क्या बन गए? पूर्व स्पर्धक कैसे क्या बन गए? अपूर्व स्पर्धक। अपूर्व स्पर्धक इसलिए कहा क्योंकि ये नौवे गुणस्थान नहीं होते, ये कहीं 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 पे भी ऐसे हीन शक्ति वाले अनुभाग कहीं और पाए नहीं जाते हैं। अब अपूर्व स्पर्धक हो गया, अब उसमें भी और शक्ति को घटा दी, और शक्ति को घटा दी तो क्या हो गया? बादल पुष्टि। और उसमें भी और हीन कर दी, और शक्ति को हीन कर दी अपने निर्मल निश्चय परिणामों के द्वारा, तो क्या हो गई? कौन सी पुष्टि हो गई? सूक्ष्म पुष्टि। और सूक्ष्म पुष्टि द्वारा संजनन लोक को क्या कर दिया गया? सूक्ष्म कर दिया जाता है। इतने हीन अनुभाग हो जाते हैं कि अब वो बताया है ना कि सूक्ष्म लोक कैसा है, पानी में, पानी में क्या करने जैसा, एक लाइन करने जैसा, वो सूक्ष्म लोक का उदय है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? पर कहते हैं ना कि जैसे जो अंत तक बना रहता है उसको नाश करने में भी क्या अनंत पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि अंत तक कौन बना रहेगा? जो बहुत शक्तिवान हो वही अंत तक बना। बोलो, युद्ध में अंत तक कौन बना रहेगा? युद्ध में जो बहुत बलवान हो वो अंत तक रहेगा कि नहीं? जो शक्ति वाला ना हो वो तो पहले ही क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ऐसे सूक्ष्म लोग को नाश करने के लिए, सूक्ष्म लोग को नाश करने के लिए वो दसवें गुणस्थान के परिणाम ही चाहिए, और दसवें गुणस्थान के परिणाम से ही क्या होगा? वो सूक्ष्म लोग का अभाव होगा।
लटकता है, बाद में से नीचे गिरेंगे कि नहीं, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। कौन से स्थान में? तेरहवे। तेरहवे में से फिर चौदहवे, और चौदहवे में से सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे, है ना? आज का ना के कैसी भावना भरनी चाहिए कि मैं कब ये नौ कर्म और शरीर से द्रव्य कर्म और भाव कर्म से क्या हो जाऊ? रहित हो जाऊ, है ना? वर्तमान में ये सब होने के बावजूद भी मैं तो इनसे कैसा हूँ? रहित ही हूँ। ऐसा निर्णय करेंगे तो पर्याय में इनसे क्या हो जाएंगे? रहित हुए बिना रहेंगे नहीं। एक अपन दो गाथा पढ़ के एक डिफरेंस है, आप लोग एक डिफरेंस लिखो, मैं आपको एक डिफरेंस लिखाती हूँ। एक तीन परिणाम जो हमने किए थे ना, अध, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण, तीन परिणाम, तीन कॉलम्स कर दो, तीन कॉलम्स, तीन कॉलम करो और तीन परिणाम की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे, अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इन तीन परिणामों में क्या भिन्नता है? सबसे पहला अध प्रवृत्तकरण, अध प्रवृत्तकरण माने नीचे के और ऊपर के, नीचे के और ऊपर के परिणाम कैसे होंगे? कैसे होंगे? मिलते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, हमने देखा था ना, नीचे के और ऊपर के परिणाम कैसे होंगे? समान होंगे। अपूर्वकरण में लिखो हर समय नए नए परिणाम, हर समय कैसे परिणाम? नवीन नवीन परिणाम। और अनिवृत्तिकरण में लिखो, अनिवृत्तिकरण में लिखो जहां परिणामों में भेद नहीं है, मुनिराज के परिणामों में क्या नहीं? भेद नहीं है, समान समय, समान समय के सारे मुनिराज के परिणाम कैसे होंगे? समान ही होंगे। कोई मुनिराज भरत क्षेत्र में है, कोई मुनिराज विदेह क्षेत्र में है, कोई मुनिराज धात की खंड में है, कोई मुनिराज ऐरावत में है, और अनिवृत्तिकरण का दूसरा समय है सबका, तो बोलो सारे मुनिराज के परिणाम समान है कि अलग है? समान है। कहीं भी हो अनिवृत्तिकरण में समान समय में परिणाम कैसे होंगे? समान ही होंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? आगे जाते हैं। हमने देखा था कि अधप्रवृत्तकरण में अनुकृष्टि रचना होती है, क्या होती है? रचना होती है ना? नीचे के और ऊपर के समय के परिणाम कैसे होंगे? समान हो सकते हैं, पर अपूर्व और अनिवृत्तिकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। आगे अधप्रवृत्तकरण में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। अधप्रवृत्तकरण में परिणाम कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। अपूर्वकरण गुणस्थान में उसमें भी कितने परिणाम होते हैं? अधप्रवृत्तकरण में जितने परिणाम थे ना उससे असंख्यात गुणा ज्यादा, असंख्यात गुणा ज्यादा, असंख्यात लोक प्रमाण अपूर्वकरण में परिणाम होते हैं। और अनिवृत्तिकरण में जितना समय है अनिवृत्तिकरण का उतने समय जितने उनके परिणाम होते हैं, जितना काल है उतने समय है उतने परिणाम होते हैं। अब ये इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट भेद है, जो अधप्रवृत्तकरण है ना सातवें का दूसरा भाग, उसका काल सबसे बड़ा, उसका काल सबसे बड़ा। अपूर्वकरण गुणस्थान का काल, अपूर्वकरण गुणस्थान का काल अधप्रवृत्तकरण से संख्यात गुणाहीन कम, संख्यात गुणाहीन कम, और अपूर्वकरण से भी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का काल संख्यात गुणाहीन। देखो काल कम पर परिणामों की विशुद्धि ज्यादा, काल कम पर विशुद्धि ज्यादा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा? सबको अंतर्मूरत ही कहेंगे पर सबके अंतर्मूरत में अंतर है। सातवें वाला सबसे बड़ा अंतर्मूरत, उससे भी संख्या गुणाहीन आठवां वाला, और उससे भी संख्या गुणाहीन काल नौवे का, और उससे भी कम काल
दसवें का, समझ में आ रहा है कि नहीं? पर परिणामों की विशुद्धि क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है। एक उदाहरण के साथ आप उदाहरण लिख लो, जैसे अधप्रवृत्तकरण का काल 16 समय है, 16 समय, तो अपूर्वकरण का काल होगा 8 समय और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का समय होगा 4 समय। एग्जाम्पल, ये खाली एग्जाम्पल है ना। 16 समय कहा तो उसका आधा कितना? 8, और उससे आगे अनिवृत्तिकरण का 4 समय। ऐसे बहुत ही कम समय में मुनिराज क्या कर लेते हैं? श्रेणी मांड के केवल ज्ञान ले लेते हैं और सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। हम सब निकले थे साथ में, कौन जितने भी तीर्थंकर हुए भूतकाल में, हाँ, और हम भी सब कहाँ थे साथ में? निगोद में थे और हम साथ में निकले, ख्याल आ रहा है कि नहीं? पर उन्होंने क्या कर लिया? पुरुषार्थ करके अपना काम कर लिया, है ना। और हम हाँ, ख्याल आ रहा है ना, हम तो जाके वहाँ ही रह गए। इसलिए कहते ना, ये मार्ग किसी और का नहीं है पर पुरुषार्थ का मार्ग है, और रुचि होगी तो उस तरफ पुरुषार्थ हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए पूज्य बेंसी कहते हैं ना, आत्मा का अनुभव करने के पहले आत्मा की क्या होनी चाहिए? रुचि, लगनी, धुन, धगस, है ना, होगी तो नियम से वो जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे बिना रहेगा नहीं। एक अनपढ़ तीर्यंज गति का जीव भी क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? हाँ, आत्मानुभूति कर लेता है। तो हम इतना स्वाध्याय, इतना पढ़ने के बाद, हाँ, इतना चिंतन आदि होने के बाद भी हमको काम नहीं हो रहा है तो आचार्य देव कह रहे हमको इसमें क्या लग रहा है? आश्चर्य लग रहा है। एक तीर्यंज गति का अनपढ़ जीव जिनको 7 तत्व के नाम भी नहीं पता है और उनको क्या हो जाता है? भावभाषण हो जाता, भगवान का लघु नंदन बन गया। और हम कितने घंटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसलिए कहते हैं ना, ये मार्ग कोई क्रिया का नहीं है, ये मार्ग खाली वाणी का नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का नहीं है, पर किसका है? आत्मज्ञान का। अनंत काल से नहीं किया हुआ काम एक समय में हो जाए। कितने समय लगे बोलो? सम्यक दर्शन के लिए कितना समय? शेर को कितना समय लगा? एक समय लगा ना। हाँ, क्या कर रहा था वो शेर का जी? मांस भक्षण, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंतर मुहूर्त में तो क्या हो गई? 5 लग दिया हो गई और क्या हो गया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ख्याल आ रहा है कि नहीं? इसलिए पूरा मार्ग त्रिकाली को मुख्य करना और बाकी सबको गौण कर देना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी जगत में कोई भी चीज हो उसमें कोई सार नहीं है, क्योंकि एक सारभूत पदार्थ कोई जगत में है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इसके सिवाय और कुछ सारभूत नहीं है। पंडित राजेंद्र जी की 2 लाइन गाती हूँ मैं, बहुत सुंदर है वो 2 लाइन। जब एक रतन अनमोल है ना वो भक्ति, सब अंग पड़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। तीर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद, सफल भव तिर जाए। एक तीर्यंच गति का अनपढ़ जीव भी क्या कर ले? आत्मा का अतींद्रिय आनंद का स्वाद ले लेता है। आज एक उदाहरण दिया था ना के वो बैंक में वो ट्रेजरर होता है ना, ट्रेजरर लाखों करोड़ों रुपये को देखता है, गिनता भी है, विचार भी कर रहा है, पर उसको आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं आ रहा आनंद? अदिति, क्यों नहीं आ रहा आनंद बोलो? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे नहीं है। हाँ, और वो अनिल, वो अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी घर पे बैठे हैं, हाँ, पैसे को देख भी नहीं रहे, गिन भी नहीं रहे, दिख नहीं रहे हैं, हाँ, तो भी उनको हर समय आनंद आ रहा है कि नहीं? करोड़ रुपयों का आनंद आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि निर्णय है ना, क्या निर्णय है? कि मैं इन पैसों का क्या हूँ? मालिक। ऐसे पूरा मोक्ष मार्ग किसके ऊपर टिका है? तत्व निर्णय पे टिका है, ख्याल आ रहा है कि नहीं? बोल नहीं सकते हो, विचार भी नहीं कर रहे हो,
गायक संबंधी। हाँ, और दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी आत्मा। प्रदेश का दिख रहा है, आत्मा के प्रदेश नहीं दिख रहे ना, वो तो केवल ज्ञान में दिखेंगे। तो भी सम्यक दृष्टि हर समय प्रसन्न। क्यों प्रसन्न, क्यों आनंदित, क्यों आनंदित? क्योंकि निर्णय है। क्या निर्णय है? कि मैं ये देह से, ये पुण्य और पाप कर्म के उदय से मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ। हर समय निर्णय है, उस निर्णय के बल से प्रसन्न। और एक अज्ञानी सब कुछ त्याग करके बैठ जाए, वन जंगल में चले जाए, तो भी कैसे है वो? दुखी है। क्यों क्यों दुखी है? क्योंकि निर्णय ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? निर्णय पक्का हो तो कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, और निर्णय में ही कचास हो तो दुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? एक चक्रवर्ती का जीव 6 खंड और 96,000 रानियों के बीच में भी कैसा कैसा? भिन्न, अलिप्त। और एक द्रव्यलिंगी मुनिराज सब कुछ छोड़ के चले गए तो भी वो वन जंगल में कैसे? हाँ, दुखी। क्योंकि शरीर की क्रिया का अभी भी वो क्या मानते हैं? अपने को कर्ता मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना जबरदस्त मार्ग है। इसलिए कहते हैं ना, ये मार्ग सबको नहीं पचेगा। किसको पचेगा? जिसकी भली होनहार होगी, हाँ, वो ही पचा पाएगा। हाँ, ये मार्ग को ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये अंतर का परिणमन है ना? ये बाह्य में दिखने और दिखाने वाली चीज नहीं है। ये अंतर में परिणमन हो गया, अंतर में आत्मा का अनुभव हो गया, माने उसके उसका मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया। वो जीव अभी अल्प काल में कहा जाने वाला है? मोक्ष में जाने वाला है। और जो अस्थिरता जन्य राग आदि परिणाम है वो तो टलने ही वाले हैं। जा तीर्थंकरों ने भी क्या कर ली? शादी कर ली ना। पता था कि नहीं? हाँ, कि औदयिक भाव है, दुख का कारण है, तो भी वो औदयिक भाव को क्या नहीं कर पाए? हाँ, रोक पाए कि नहीं? रोक पाए कि नहीं? नहीं रोक पाए। क्योंकि औदयिक भाव में कुछ करना बदलना वो पारिणामिक भाव के हाथ में है ही नहीं। हाँ, मैं तो मात्र उस औदयिक भाव का क्या हूँ? जानने वाला हूँ। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज कहा ना, सुबह डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं ना, तो बुक लेके जाते हैं कि नहीं? बुक लेके जाते होंगे कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं ना। ऐसे उदय आते हैं तो उस समय भेद ज्ञान करना वही हमारी क्या है? परीक्षा है। बाकी जितना स्वाध्याय किया है उदय के समय ही हमारी क्या होती है? परीक्षा होती है कि हम कितनी समता रखते हैं, हम कितने जागरूक रहते हैं, हम अपने आत्मा को उस समय भी नहीं भूलते हैं, हम हमारे तत्व को नहीं भूलते हैं। बड़े पंडित जी 3 चीज बताते हैं, जीवन में सादगी, जीवन में संतोष और जीवन में ईमानदारी हो तो नियम से उसका जीवन कैसा होगा? सुंदर और जीवन आराधनामयी हुए बिना रहेगा नहीं। 3 चीज कौन सी? सादगी, संतोष और ईमानदारी। ऐसा हमारा सबका जीवन हो, आराधनामयी हो, इसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी। शासन नायक महावीर भगवान की, अष्टानिका महापर्व की।